Hello guys, welcome back to my YouTube channel Kasi Raghwani Vlogs. Do subscribe and like. तो अभी हम लोग शूट पे जा रहे हैं और आज मैं कैप्चर करूंगी हमारे शूट की कुछ क्लिप्स जो आपको दिखाऊंगी हम लोग शूट कैसे करते हैं. वैसे तो मैं दिखा चुकी हूँ बट आज मैं पर्सनली शूट करूंगी और हमारे सारे टेक्नीशियंस लोगों को कितना सफ़र करना पड़ता है मैं आप सबसे वो भी शेयर करूंगी. तो बस अभी हम लोग शूट के लिए निकल रहे हैं, मुझे रूम क्लीन करवाना है बिकॉज मम्मी कहती है कि जाने के बाद सफाई नहीं करनी चाहिए, तो मैं सफाई करवाने के बाद रूम से निकलूँगी. अभी बुलाया है और ये है हमारे छोटे से बेबी. दोनों अभी लेटे हुए हैं. ये हमारा सामान सब यहाँ ऐसे पड़ा हुआ है. ये मेरा बेडरूम है, यहाँ मैं मेकअप करती हूँ. नहीं, मुझे रूम सफाई करवानी है, अभी क्लीन कर बोलो. सिर्फ झाड़ू पोछा लगा रहे फटाफट, उतना हो जाएगा मैं निकलूँगी. मेरे भगवान जी, अब मैं शंख बजाना मैं सीख चुकी हूँ, तो डेली मैं 5 बार शंख बजाती हूँ ये, और एक बार सूर्य भगवान जी को भी सुनाती हूँ बजा के. यहाँ पे हाँ नहीं ना, मैंने आपको फोन आपका नंबर तो सर के पास था नहीं, मैंने सर को पता नहीं, वो पता नहीं किसको फोन कर रहे थे तब नींद में, तो मैंने उनको बोला भी कि हर्ष को बोल दीजिए आप कि शाम को जाएंगे बिकॉज सुबह चार घंटा तो सोई मैं मात्र 1 बजे. मैंने उनको बोला कि आप मुझे 9 बजे तक फ्री कर दीजिएगा, फिर मैं वहाँ 9 से 10 वैसे भी वहाँ फ्री रहता है. हाँ तो फिर रात को 11 बजे तक खुला रख सकते हैं ना, वो तो वहीं रहता है ना. तो बिकॉज देखो ना, सुबह भी रात को अगर हम इतना लेट आ रहे हैं तो सोते 1 बज जा रहा है ना, फिर सुबह आप सोचे 4 बजे उठ के चार घंटे में कैसे होनी जरूरी है, क्योंकि नहीं तो वीकनेस हो जाएगी, ऐसे तो हैरेसमेंट. ठीक है तो 9 से 10 11 हाँ नहीं, उनको फोन किया था, जिम वाले को भी फोन कर दिया था, सनी के पास नंबर था, उनको बोल दिया था कि भैया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है तो शाम को हम रात को आएंगे. वो कुछ बोलेंगे नहीं, वो तो बोले हैं. नहीं, वेट कर रहे होंगे ना ऐसे कि सुबह खोल के. या तो मैंने आपको तो नीचे भी बोला था कि आप बोल दीजिए वहाँ पे, हम बोले फोन करके सुबह के लिए बोली थी आप 7 बजे के लिए. हाँ लेकिन ऐसे बोल दिया था ना कि मैं मतलब 4 बजे तो नहीं आऊंगी ऐसे. ओके सुबह 4:30 बजे उठना था जो हम नहीं उठ पाए क्योंकि हम रात को लेट आए थे और 1 बजे था सोते, तो उसी चीज़ का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे. अभी भी मेरी अभी भी कफ ठीक नहीं हुआ है, मैं उसी से परेशान हूँ. क्यों नहीं आ रहे हैं? ये छोटे छोटे कहीं कहीं कुछ चीज़ें रखी हुई है. ये मेरा स्पीकर है जो मैंने ढक के रखा ताकि डस्ट ना हो उसमें, लगे नहीं. हाँ और इसमें गुड़ है जो राम लेके आया है क्योंकि रात को खांसी कभी कभी आ जाती है, तो मैं थोड़ा सा गुड़ खा लेती हूँ. आज रात को सेम चीज़ हुई मेरे साथ, मुझे खांसी आने लगी तो मैंने गुड़ खा लिया. इसमें इसमें मेरे कुछ चीज़ें हैं, इसमें खाखरा है, इसमें मुमरा का चिवड़ा है, इसमें मूंग का चना जोर है, इसमें मखाना है और इसमें पता नहीं क्या है, ओट्स में भी हो सकते हैं या न्यूट्री चॉइस. मुझे कभी कभी अगर भूख लगती है तो मैं 2-3 बिस्किट्स खा लेती हूँ. देखो मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ बट कुछ सिचुएशंस, कुछ मेडिकल इश्यूज़ है जिसकी वजह से मुझे इश्यूज़ हो रहे हैं, मेरे को स्वेलिंग हो रही है, तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो
सॉल्व हो रही है धीरे धीरे। कभी कभी मेरा फेस छोटू सा हो जाता है, कभी कभी मैं गोला हो जाती हूँ। ये बता सकती है कि नहीं? हाँ, वो एक दिन में ऐसा लगता है कि फेस छोटा सा पतला सा दिखने लगा, और फिर ऐसा होता है एक रातों रात ऐसा लगता है कि अरे कितने गोला सा फेस बन गया मोटा सा, बट ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश करने पे दो दिन में एकदम क्लियर हो जाता है। हाँ, तो मेरे को इशू है, मैं ऐसे पैर में अभी फिलहाल की कंडीशन में मैं अपने पैर में ऐसे उंगली से जोर से दबा रही हूँ ना, वहाँ पे खड्डे हो जा रहे हैं। तो ये चीज़ हो रही है। तो पता नहीं मेरे साथ क्या 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 भलती चीज़ें होती रहती है, विभिन्न विभिन्न प्रकार का, समझ में नहीं आता कब क्या हो जाए मेरे साथ। Yes, मैं कल की बात बताती हूँ। कल हमारे साथ क्या हुआ, ट्रेजेडी हो गई है कल, क्योंकि कल मैं ड्राइव करके आ रही थी और रास्ता खाली है, साइड में जंगल है, एक साइड में नहर है, जो कि मैंने आपको बताया था, और बिल्ली बचाने के चक्कर में, और अचानक से, मतलब बिल्ली समझ लो कि मैं यहाँ हूँ, बस इतना पोर्शन, कितना होगा ये? हाँ, 3-4 फीट, तीन चार फीट की दूरी पे अचानक से बिल्ली आई, और हम लोग फास्ट थे, बिकॉज मैं फास्ट चला रही थी, बिकॉज वहाँ पे ट्रैफिक ही नहीं था, रास्ता पूरा खाली था, मैं फास्ट चला रही थी। अचानक से बिल्ली सामने आ गई और आके रुक गई, तो मैंने ऐसे कट मार दिया और सब इधर उधर हो गए। लेकिन बिल्ली बच गई, बिल्ली को भी कुछ नहीं हुआ और लोगों को भी कुछ नहीं हुआ। तो जो हमारे ड्राइवर है मोनू जी, वो हमारे स्टाफ को बोल रहे हैं कि बिल्ली के चक्कर में क्या बोला, इधर आओ बताएगी। बोले कि बिल्ली के चक्कर में मैम हम लोग को ले जाती ऊपर। बिल्ली को बचा। बिल्ली को ये नहीं पता मैं भी चली जाती ऊपर। अकेली थोड़ी जाती। बिल्ली को बचाते बचाते हम लोग ऊपर पहुंच जाते, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब सही है। देखो, बिकॉज आई एम एनिमल लवर, तो मेरा फर्स्ट यही होता है कि मैं जानवर को बचाऊं। उसके बाद हमारा जो देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग पीनट बटर खा रहा है, और ये डब्बा काट दिया है पूरा, इसलिए स्पेशली उन लोगों के लिए रखा गया है यहाँ पे, ताकि वो रोज खाता है यहाँ पर आकर के। हाँ, ये मैंने स्पेशली चूहे के लिए रखा है, गन्नू बापा के जो वाहन है चूहा, उनके लिए, और ये उसको इतना पसंद आया कि उसने मेरा डब्बा जो है ये काट दिया है, पूरा काट कूट के, ये पूरा भरा हुआ था, उन्होंने यहाँ पे खतूर खतूर के अपने दांतों से उन्होंने कितना अच्छा कितना ऐसे किया, देखो। और ये भाई सब यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से। तो वहां से आ रहे हैं, तो मेरा पीनट बटर उसको इतना अच्छा लगा, तो मैंने उसके लिए वहां पे छोड़ दिया है। अब डेली रात को आते हैं, वो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे खाते हैं। मैम को ऐसे भी बहुत प्यार है, जानवरों से मैम को बहुत प्यार है, चाहे वो चूहा हो, बिल्ली हो, डॉगी हो, जो भी हो, एक चीटी तक, एक यहाँ तक कि कीड़े, जो लाइट जलता है शूटिंग टाइम में हम लोग करते हैं, जो लाइट जलता है तो कीड़े आते हैं ना, बहुत तरह के कीड़े, अगर इनके ऊपर एक भी आ जाए हम लोग हटाते तो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, इसको प्यार से हटाती है, बोलती है सब लोगों को चलो मत देख के चलो, पैर मत रखो, ऐसा है। हाँ, चाहे भले लोगों को लग जाए चलेगा। नहीं, जानवर को कुछ नहीं होना चाहिए, कीड़ों को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, कल उसी चक्कर में हमारे जो कैमरा दादा है, उनको मेरा नाखून लग गया आपके पास। उसको बोल चाय आप बाद में पी सकते हो, 15-20 मिनट हमारे पास टाइम नहीं है, हमको 10:30 बजे पहुँचना है, 15-20 मिनट चाय में लगता है क्या, हम 2 मिनट में चाय पी बैठे। ओ भैया लोग आओ ना जल्दी, जाना है, लेट हो रहा है। ये लोग यहाँ पे बैठ के नाश्ता पानी कर रहे हैं। हाँ, वीडियो बना लिया, हाँ।
क्या हुआ? वो लोग नाश्ता पानी कर रहे हैं और 10:30 का हमारा कॉल टाइम है जो 11 बज गए हैं। आधा घंटा क्यों जाने में टाइम लगेगा? हाँ ट्रैफिक भी है। मोनू मोनू आ गए, ये दवा ही आपकी। मोहम्मद जी आ गए, महान इंसान, बहुत जल्दी आए। कैसे खाना है इसको? मेरी दवाई आ गई। लिखा है क्या उसमें? वरना विनीत जी को पूछना पड़ेगा कैसे खाना है ना। मैं तो दवाई का भंडार हो गया मेरे पास, पता है मैं इतनी दवाई खा रही हूँ आजकल। ज्यादा दवाई मत खाइए। नहीं खाइए मतलब कहाँ जाऊँ मैं लेके सब? देखो मेरे पैरों में स्वेलिंग आपको दिख रही है, ये जो फूल गया है पूरा, ये सब फूला हुआ है। ऐसे में करती हूँ ना, इसमें खड्डे हो जाते हैं जो आपको नोटिस नहीं होंगे बिकॉज वो मुझे फील होता है ऐसे। तो ये स्वेलिंग हुई है मेरे पैरों में, ये देखो आपको दिखेगी सब, ये सब। तो यही सब इश्यूज हैं मेरे बॉडी में। स्वेलिंग्स भी रहती हैं, बहुत रहती है ज़्यादा, कभी कभार नॉर्मल हो जाता है, कभी कभार बहुत स्वेलिंग हो जाती है। हाँ नाश्ता का हो गया? आलू का पराठा। आलू का पराठा खाया? आज अच्छा लगा? ठीक ठाक ठीक ठाक। ये मोहतरमा रोजा रखी है, रात को 6 बजे इनका ब्रेकफास्ट होता है। मैं रोजा हूँ, हाँ मैं रोजा से हूँ, और अभी हमारा रोजा है 13-14 दिन और उसके बाद हम ईद मनाएंगे, सेवैया पिएंगे, बस नॉनवेज नहीं खाएंगे। और मैम नॉनवेज मैम ने मना कर दी खाने से, इसलिए अभी नहीं खा रहे फिलहाल, आगे तो पता नहीं। और नहीं जब भी आगे खाएगी तब मैं, मेरे पास नहीं रहेगी। कोशिश कर रहे धीरे धीरे छोड़ दे। मैंने तीनों लोगों को बोला है अगर कोई नॉनवेज खाएगा तो मेरे पास नहीं रहेगा, अपना बैग उठाएगा, सामान पैक करेगा, मैं खुद पर्सनली पैक करने जाऊंगी और उनका सामान पैक करूंगी और उनको यहाँ से मैं अलविदा कहूंगी, आराम से बस में ट्रेन में बिठाऊंगी, बाय, ख्याल रखना अपना। ये हमारी मैडम जी हैं। तो मैंने ये बोला है उन लोग को, तो इस वजह से। तो कृष्णा दास जी बोलते हैं कि हम आपको माला पहनवा देते हैं तब हम माले, हाँ कंठी पहना देते हैं तो हम मानेंगे, तब मानेंगे कि आप सच बोल रही है। तो नॉन वेजिटेरियन मतलब मैं नॉन वेजिटेरियन तो नहीं हूँ बट अब मैं पूरी वेजिटेरियन बन चुकी हूँ, तो इस वजह से अब मेरे आसपास भी मुझे कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं चाहिए। ना मुझे कोई ऐसा हाथ लगाएगा। थोड़े दिन में मैडम को भी फिर से बनाएंगे नॉनवेज। नहीं मैं नहीं, मैं वैसे भी नॉन वेज की फूडी नहीं थी। कुछ कुछ खाना जरूरी होता है ना, अगर ऐसा कुछ हुआ आपके अंदर डॉक्टर बोल दिया मैम आपको नॉनवेज खाना है तो खाना ही पड़ेगा। कोई डॉक्टर नहीं बोलता है, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बोलता कि आपको नॉनवेज खाना ही पड़ेगा। हाँ नहीं तो क्या। मैं अंडे खाती थी तो अंडे भी मैं अभी मैंने बंद कर दिए बिकॉज मुझे अंडे भी अच्छे नहीं लग रहे, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, नॉनवेज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और ये तीनों भी खाएंगे तो बहुत पिटाएंगे, ऊपर से मेरी बहुत अच्छी अच्छी कथाएं सुनेंगे। हाँ मंत्र जपूंगे मैं इनके ऊपर ऐसे। हाँ जब बैग पैक होगा ना तो इनका पेट भर जाएगा। तो अभी तक इन्होंने नॉनवेज छुआ नहीं है जब से हम लोग ये सेट पे आए हैं, तो आगे भी नहीं छुएंगे ना, आगे भी नहीं छुएंगे। बंद करो अपना, नहीं वो गलती से टच
करना। अंडा भी अलाउ नहीं है इन लोग को, अब खाया नहीं है ना? नहीं पक्का ना? अभी नहीं खाया, अभी तक तो नहीं खाए है, आगे को पता नहीं। आगे का मतलब मेरे पास रह गया, अगर खा के मेरे को हाथ लगाया तो फिर तुमको बताती हूँ मैं। यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि नहीं खाएंगे, जितना कोशिश हम लोग से हो सकता है कि मैम के पास नहीं खा सकते हैं, नहीं खाएंगे, ये हम लोग की कोशिश है और अब तक नहीं खाए। नहीं तो मैं अपना स्टाफ चेंज कर दूंगी, पूरा वेजिटेरियन पूरा वेजिटेरियन लेके चलूंगी, जो जैन होंगे जो लहसुन कांदा भी नहीं खाते होंगे तो मैं उनको बुला लूंगी हाँ तब तुम सोच लो। फिर उस समय कंठी वाला तो आप एकदम जल्दी एकदम प्रॉपर हो जाएगा, तो पहले जरूरी नहीं पड़ेगा, तब तो पहनना जरूरी नहीं पड़ेगा। ये इंसान नहीं खाया है अभी तक, कुछ भी नहीं खाया, नॉन वेज अंडा कुछ नहीं खाया है। हाँ ये मुझ पे गया है फॉलो कर लो, ये मुझे फॉलो कर रहा है, यही लोग हैं जो मुझे नॉन वेजिटेरियन बना देते हैं कभी कभी, बट अब स्ट्रिक्टली नो। लाइफ में कुछ ना कुछ खाते रहे तो तुम ऐसी चीजें खिलाओ ना जो अच्छी लगे। अभी वैसे ही खिला रहा हूँ नॉर्मली। पॉपकॉर्न नहीं मिला ना हमें अभी तक? सूर्य जब तक शूटिंग भी पैसा हो जाएगा। हाँ मेरी दवाई साथ में ले लो, क्योंकि वहां जाके पीऊंगी मैं, ये बात कर लीजिए, इसमें डाल दो लेता। हाँ चलो गाइस, देन सी यू सून। हम लोग अभी सेट पे मिलेंगे, जैसे कि मैंने आप सबसे कहा कि मैं आपको आज दिखाऊंगी कि शूटिंग कैसे कर रहे हैं और कितना सफर करते हैं हमारे टेक्नीशियंस। तो आज मैं ब्लॉग बनाऊंगी हमारे लाइट दादा, हमारे टेक्नीशियंस जो है उनके ऊपर। ओके सो टिल देन सी यू एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल काजल रघवानी व्लॉग्स, एंड फेसबुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं काजल रघवानी, जिसमें ब्यूटिक है। इनका पेज जो है वो हैक हो चुका है, तो अभी उसको रिकवर होगा नहीं होगा पता नहीं, तो मैं उस पर ध्यान अभी मैंने दे रहे हैं लोग दे रहे हैं, और इंस्टाग्राम है जो आप जानते ही हैं, तो उसको भी फॉलो करें। लव यू ऑल। तो सब आ चुके हैं, अभी हमारा कमरा सफाई होगा। सो सी यू, बाय बाय।